Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी host and दोस्त. Guys, I am back with another video और आज मैं review करने वाली हूँ Hyundai Venue SO variant का. तो चलिए शुरू करते हैं and देखते हैं क्या खास है इसमें. So guys, ये है Hyundai Venue, एक बहुत ही मस्त SUV जो कि एक budgeted range में आ जाती है. ये आपका चार variants के साथ आती है, E, S, S optional and SX variant. जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका सेकेंड टॉप मॉडल है, तो एस ऑप्शनल मॉडल. तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ. सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को देखेंगे. तो ये है कार का फ्रंट फेशिया जो कि बहुत ही एलिगेंट एंड स्मार्ट लग रहा है. वही आपको क्रोम में ग्रिल देखने को मिल जाती है फ्रंट में, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है. तो कुछ इस तरह की आपको ग्रिल की लुक देखने को मिलेगी और उसके सेंटर में यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिशिंग के साथ. उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं जो कि हाई बीम एंड लो बीम के साथ वर्क करेंगे. और इसके साथ यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है. यहाँ पर आपको LED में DRL देखने को मिल जाएंगे एक यूनिक शेप के साथ, स्क्वायर शेप में दिया गया है, बहुत ही मस्त लग रहे हैं. ऊपर यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि हैलोजन में किए गए हैं. और नीचे जो यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लैम्प दिया गया वो भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगा. तो ये है इसकी नीचे की ग्रिल की लुक. अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको सिल्वर कलर के साथ फिनिशिंग करी गई है. तो ये था इसका फ्रंट फेशिया. आप देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को. ये है कार की साइड लुक, बहुत ही मस्त लग रही है. अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 195 mm. फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. उसके साथ यहाँ पर आपको क्लैडिंग प्रोवाइड कराई गई है ब्लैक कलर में जो कि मर्ज होकर टायर्स की तरफ जा रही है. अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा. अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195/85R15. ये जो टायर्स हैं अपोलो के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं. यहाँ पर आपको स्टाइलिश व्हील देखने को मिल जाएंगे. उसके साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड व्हाइट कलर में ही डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे. अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो ये भी आपको बॉडी कलर्ड व्हाइट कलर में ही देखने को मिल जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है. और साथ में यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको रूफ रेल दी गई है जो कि सिल्वर कलर के साथ दी गई है. और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में इंसर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छा लग रहा है. तो ये थी कार की साइड लुक. अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को. ये है कार की रियर लुक, अट्रैक्टिव लग रही है. अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दी गई है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे. साथ में डिफॉगर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. नीचे यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट दी गई है जो कि LED में प्रोवाइड कराई गई है. तो कुछ इस तरह के शेप में आपको ये देखने को मिल जाएगी. और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि हैलोजन में प्रोवाइड कराई गई है. सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे आपको वेन्यू की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट करी गई है. और उसके साथ यहाँ पर आपको दो लैंप्स देखने को मिल जाएगी नंबर प्लेटिंग के लिए. पीछे यहाँ पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव. यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड भी वो करा दी गई है. अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ ये प्रोवाइड करा दी गई है. तो चलिए खोलते हैं इसके बूट को और चेक करते हैं इसकी बूट स्पेस को. तो ये है वेन्यू की बूट. अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 350 लीटर. यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. नीचे यहाँ पर आपको टूल किट प्रोवाइड कराई गई है. और उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा जो कि 14 इंच का है, तो 1 इंच लोअर देन दी ओरिजिनल साइज. और ये आपको स्टील रिम में प्रोवाइड कराया गया है. यहाँ पर आपको कोई पडल लैंप की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी. तो ये थी इसकी बूट. यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दी गई है तो आप इससे इसको बंद कर सकते हो. तो बंद कर देते हैं बूट को. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको फ्यूल टैंक कैप देखने को मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स. तो अब हमने देख लिया है इसके एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को. चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड गेट के साथ. तो खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी. ब्लैक एंड बीज या वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है. यहाँ पर आपको टोटल हार्ड मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर अगर आऊँ तो यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, विंडो कंट्रोल का ऑप्शन, लॉक अनलॉक एंड ORVM के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है. यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट में डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे. और उसके नीचे यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाएगी.
यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। तो इस कार में आपको टोटल 6 स्पीकर दिए गए हैं, 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर, और यहाँ पर आपको ट्वीटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे दिया गया है अलॉन्ग विथ रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन, और उसके साथ यहाँ पर नीचे आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे ABC पैडल की प्लेसमेंट करी गई है। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया आपका हेडलाइट लेवलर, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, और ये ऑटो ऑन ऑफ के लिए। उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अभी की हैंग्ड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैनुअल की देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ एक स्मार्ट की दी गई है। पीछे आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं इसकी अपहॉस्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फेब्रिक की अपहॉस्ट्री देखने को मिल जाएगी। दो कलर कॉम्बिनेशन दी गई है, ब्लैक एंड बीच कलर का यहाँ पर यूज किया गया है। अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो दोनों यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक एंड बीच कलर की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। हार्ड मटेरियल ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक कलर दिया गया है, नीचे बीच का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी इतनी कैपेसिटी आप देख पा रहे होंगे। बंद कर देते हैं इसको। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। इट विल वर्क विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड और भी फीचर्स दिए गए हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे यहाँ पर आपको ट्रैक के लिए टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है। नीचे आपको मैनुअल AC ही देखने को मिल जाएगा, और उसके नीचे यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, A-Type एंड C-Type, एंड सेंटर में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, 2 कप होल्डर की यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये है इसका आर्मरेस्ट। अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस ऑफर कर दी गई है। ये है इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट एंड कॉलिंग कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कराया गया है, तो सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको रिवील हो जाएगी। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर और टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट करी गई है। यहाँ पर आपको मैनुअल मिरर ही देखने को मिलेगा, और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन दिया गया है, और वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दिया गया है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड। चलिए अब देख लेते हैं रियर केबिन को। तो खोलते हैं इसके डोर को, तो आपको आगे वाला सेम पैटर्न ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये है पीछे की रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके कम्फर्ट को। पीछे रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है, और यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाएगा। तीनों जो यहाँ हेडरेस्ट दिए गए हैं एडजस्टेबल हैं, और उसके साथ 3-point सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। एक को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है, और एक राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ कोट हैंगर। सेंटर में यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट करी गई है, हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट प्रोवाइड कराया गया है, उसका कंट्रोलिंग बटन यहाँ दिया गया है, और नीचे यहाँ पर आपको A-Type एंड C-Type USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ अगर मैं बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो नहीं प्रोवाइड कराई गई है, और इस साइड आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगी।
अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूं तो इतना बफर आपको देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा खासा दिया गया है। और अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक विच इज लुकिंग वेरी नाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं वेन्यू की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 4 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, TPMS, हील होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 4 सिलेंडर 1.2 लीटर कप्पा इंजन है जो कि 83 PS की पावर एंड 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो सिटी की है 12 KMPL एंड हाईवे की है अराउंड 18 KMPL। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 9,83,900 रुपए, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको कॉस्ट करेगी 11,52,000 रुपए दिल्ली में। सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।